जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आप सभी का बहुत स्वागत है आपके चैनल। आज हम बात करेंगे समय से पहले अपने भाग्य को उदय कैसा करें। हर एक जातक की हर एक उम्र में 28, 30, 18, 21, 22 अलग अलग उम्र में भाग्य उदय होता है, लेकिन हम उस समय से पहले कैसे भाग्य उदय करें उस पर आज बात करेंगे। उससे पहले एक निवेदन है कि चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में आपको लिखना है जय श्री महाकाल या जो भी देवी देवताओं में आपको यकीन है उनका नाम लिखें, इस बहाने ईश्वर का आप नाम ले सकें। एक और बात है कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मेरा आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, सीधे वहाँ से अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात हो सकती है। तो दोस्तों, समय जो है वो कभी भी किसी भी वक्त परिवर्तित हो सकता है। सभी ये बात कहते हैं कि कर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कर्म और भाग्य दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, लेकिन ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ग्रह नक्षत्र और देवी देवता सभी उनके अधीन हैं। ईश्वर के बाद न तो नक्षत्र है, न ग्रह है और कोई नहीं है। तो इन सभी घटनाओं में भगवान का बहुत बड़ा रोल है। तो यदि आप समय से पहले अपने भाग्य को उदय करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक सी चार बातें हैं जिन्हें मैं कह रहा हूँ, उन्हें आप फॉलो करेंगे, आपको बहुत जल्द सकारात्मक परिवर्तन मिलेंगे और आपका भाग्य समय से पहले जागृत हो जाएगा। पहली और मुख्य बात कि कभी भी, चाहे कितनी व्यस्तता हो, कुछ भी हो, आप दो वक्त मंदिर जरूर जाएं, जो भी आपके घर के आसपास है, दो वक्त मंदिर जरूर जाए, सुबह शाम, 2 मिनट जाए, 5 मिनट जाए, लेकिन एक रेगुलर जाना ही है आपको। दूसरी बात है, अगर आप हो सके तो शिव जी को जल चढ़ा अभिषेक करना, साथ में चाहे तो वो अभिषेक भी करें, क्योंकि शिव जी का अभिषेक करने मात्र से बहुत सारी पीड़ाएं बाधाएं दूर हो जाती हैं। और तीसरी बात कि अपने गुरु मंत्र का कंटिन्यू जाप करें, क्योंकि अपने गुरु मंत्र में वो शक्ति होती है जो आपकी वो कई सारी पीड़ाओं को ख़त्म कर देता है। क्योंकि गुरु ने जो हमें मंत्र दिया है वो मंत्र पहले से जागृत है और आप उसे और जागृत कर रहे हैं तो एक सकारात्मक बदलाव देता है और वो भाग्य को उदय करने के साथ कर्मों को करने में गति प्रदान करता है। भाग्य उदय का सीधा सा अर्थ है कामों का बनना और हमारे कर्म की गति का 2 गुना स्पीड हो जाना। ये नहीं कि हाथ पे हाथ रखे बैठे और हमारा भाग्य उदय हो जाए, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपनी राय खुलकर लिखें, वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल।